डियर स्टूडेंट अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। आज हम 19 पेज के नेक्स्ट सेंटेंसेस की रीडिंग करेंगे, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंसेस, यहाँ से, ठीक है। इज़ दिस अ हैन, क्या ये एक मुर्गी है? नो इट इज़ नॉट अ हैन, ये एक मुर्गी नहीं है। इट इज़ अ डक, DUCK डक, ये एक बत्तख है, ठीक है। इज़ दिस अ हैन, क्या ये एक मुर्गी है? नो इट इज़ नॉट अ हैन, ये एक मुर्गी नहीं है। इट इज़ अ डक, ये एक बत्तख है। नेक्स्ट है, इज़ दिस अ फ्रॉग, क्या ये एक मेंढक है? नो इट इज़ नॉट अ फ्रॉग, ये एक मेंढक नहीं है। इट इज़ अ टॉर्टोइस, ये एक कछुआ है। TORTOISE टॉर्टोइस, कछुआ, ठीक है। ये हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है यहाँ तक। अब आपने अपनी वर्कबुक ओपन करनी है, नहीं, बुक का पेज नंबर 15 ओपन करना है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट हमारे पास वर्ड के लिखा हुआ है RIDB, ये तो करेक्ट स्पेलिंग नहीं है, ठीक है। अब हम सेंटेंस रीड आउट करते हैं। द डैश हैज़ अ क्राउन ऑन इट्स हेड, द बर्ड, BIRD बर्ड। नेक्स्ट है SHIF, तो ये भी करेक्ट वर्ड नहीं है, ठीक है। तो क्या हम पढ़ेंगे, द डैश इज़ स्विमिंग इन द वाटर, द फिश इज़ स्विमिंग इन द वाटर, ठीक है। करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट स्पेलिंग FISH, फिश। नेक्स्ट है OWC, ये भी करेक्ट वर्ड नहीं है। सेंटेंस रीड आउट करेंगे, द डैश इज़ ईटिंग ग्रास, द काओ इज़ ईटिंग ग्रास, COW, काओ। नेक्स्ट है MANW, सेंटेंस है द डैश इज़ यंग, द वुमेन इज़ यंग, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग क्या है, वुमेन। नेक्स्ट है GRIL, हम सेंटेंस पढ़ेंगे, द डैश इज़ हैप्पी, द गर्ल इज़ हैप्पी, GIRL, गर्ल, ठीक है। ये आपने भी बुक्स के ऊपर ये रीड आउट करना है। अब आपने अपनी नीट कॉपीज़ ओपन करनी है, ठीक है। नीट कॉपीज़ ओपन कर हमें फॉर्मेट रेडी करना है और यही करेक्ट वर्ड लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट है बर्ड, सेकंड बनेगा फिश, थर्ड है काओ, फोर वुमेन, फिफ्थ है गर्ल, ठीक है। आपने भी अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर ये इसी तरह नीट एंड क्लीन वर्क करना है,